हेलो गाइस, मैं हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं वीडियो करने आ चुका हूँ हमारे खेत में। तो देख सकते हो गाइस, खेत में चल रहा है सोनाली का सिकंदर DI-50RX फोर व्हील ड्राइव DI-DLX ट्रैक्टर। सोनाली का कंपनी का रोटावेटर लगा हुआ है। पीछे देख सकते हो एकदम बारीकी से मिट्टी को एकदम डस्ट बना दे रहे हैं। देख सकते हो खेत में हम लगाने वाले हैं तिल। गाइस देख सकते हो ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है, रोटावेटर कर रहा है खेत पे। देख सकते हो गाइस, आप लोग इस ट्रैक्टर को, इससे पहले बारिश के सीज़न में जो धान की खेती हुई थी उस टाइम पे आप लोगों ने देखे होंगे इस ट्रैक्टर को। एकदम नया नया आया था उसी टाइम। 2023 टॉप मॉडल ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर को आपने जो धान की कटाई के टाइम पे हार्वेस्टर के साथ भी देखे थे। ये वही सोनाली का ट्रैक्टर है जो आज खेत में काम कर रहा है। देख सकते हो गाइस, इस ट्रैक्टर के इंजन कैपेसिटी और फीचर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो गाइस, ये है सोनाली का कंपनी का 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर, 52 HP तीन सिलेंडर 3065 CC वाला नॉन टर्बो नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिल जाता है हमें, और ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट एयर फिल्टर देखने को मिलता है चोकिंग सेंसर के साथ। हेलोजिन टाइप हेडलाइट मिल जाता है और हेलोजिन के दो साइड में दो DRL देखने को मिलता है इस 2023 न्यू मॉडल ट्रैक्टर पे। न्यू टेल लाइट प्लस जो इंडिकेटर है वो देखने को मिलता है राउंड शेप में। तो गाइस, इसकी गियर की बात की जाए तो इसमें हमें हाई, लो, मीडियम और रिवर्स और 1, 2, 3, 4, 5 जो गियर स्पीड मिल जाता है हमें, यानी कि हाई, लो, मीडियम को मिला के हमें 15 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स गियर देखने को मिलता है इस 2023 न्यू मॉडल ट्रैक्टर में। ये नया गियर बॉक्स हमें देखने को मिलता है। गाइस, इस ट्रैक्टर की फ्रंट एक्सेल की बात की जाए तो वेवेल एंड पिनियम टाइप का जो पडलिंग स्पेशल सील्ड एक्सेल देखने को मिलता है। गाइस, इस ट्रैक्टर की टायर साइज की बात की जाए तो इसका जो पिछला टायर है वो है 14-28 का और इसका जो फ्रंट टायर है वो है 9-5-20 का। डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ आता है ये। गाइस, ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में हमें डबल क्लच देखने को मिलता है। PTO के लिए अलग से क्लच दिया गया है और ट्रैक्टर को चलाने के लिए अलग से क्लच। गाइस, इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 2200 केजी का लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। गाइस, ट्रैक्टर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो जानकारी था इसी वीडियो के माध्यम से मैंने दे दिया। और इस ट्रैक्टर की अगर अलग से कोई जो रिव्यू वगैरह की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख देना, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, देख सकते हो ट्रैक्टर के पीछे जो है 6 फुटा सोनालिका कंपनी का रोटावेटर लगा हुआ है। सोनालिका ट्रैक्टर पे सोनालिका कंपनी का रोटावेटर, देख सकते हो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। गाइस, तो इस ट्रैक्टर के मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, वो है ये है सोनालिका कंपनी का 50 HP का ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव। तो सभी किसान भाइयों के मन में एक डाउट रहता है कि इस ट्रैक्टर की तेल की खपत कितना है। तो गाइस, इसकी डीजल की खपत जो हमें दिखा है बारिश के मौसम में वो है 5 से 6 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो ये डीजल पीता है। मिट्टी की वजह से जो है ट्रैक्टर की जो तेल की खपत है वो कम ज़्यादा हो सकती है। जो हमें बारिश के सीज़न में 5 से 6 लीटर देखने को मिलता है प्रति घंटा और वो फोर व्हील ड्राइव में चलता है
अगर हमें सूखी मिट्टी पे, जैसे कि आज खेत में रोटावेटर चल रहा है तो हमें ट्रू होल ड्राइव में ही ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो इसमें तेल की खपत कम हो सकता है, जैसे कि 5 लीटर से 5.5 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं पीता है ये ट्रैक्टर। गाइज, इस ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है, फुल कटिंग पावर स्टीयरिंग है, यानी कि टायर पूरा घूम जाता है। तो गाइज, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ट्रैक्टर के साथ, तब तक के लिए।